आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शाही चिकन कोरमा की डिलीशियस रेसिपी। और अगर आप बनाना चाहते हैं शादियों वाला परफेक्ट कोरमा, तो मेरी इस मज़ेदार सी कोरमे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है, तो मेरे चैनल दिल्ली कुकबुक को अभी सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। रेसिपी में दिए गए टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करें, तो आपका भी कोरमा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और इंग्रेडिएंट्स की रिटर्न लिस्ट आप वीडियो के एंड में देख सकते हैं। तो आइए कोरमा बनाना शुरू करते हैं। कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो आइए मैरिनेशन के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये मैंने 1 kg चिकन के पीसेस लिए हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च, 2 छोटे चम्मच नमक, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे अदरक का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच 1 tablespoon, और 2 tablespoon हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 tablespoon योगर्ट यानी कि दही। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। जब तक चिकन हमारा मैरिनेट हो रहा है, हम प्याज तल लेंगे। सबसे पहले हम गरम करेंगे ऑयल। यहाँ मैंने 1 कप ऑयल लिया है, आप चाहे तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। ये 2 मैंने बड़े साइज की प्याज ली है, जिसे बारीक स्लाइस कर लिया है। अब हम प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और गैस की फ्लेम हाई रखेंगे, और इसी तरह से बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि प्याज हमारी इवनली फ्राई हो। कोरमे में प्याज का परफेक्ट फ्राई होना बहुत जरूरी है, यानी कि गोल्डन ब्राउन फ्राई होना। अगर हम बहुत ज़्यादा उसे फ्राई कर देंगे, तो फिर कोरमे का कलर हमारा बहुत डार्क हो जाएगा और टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी प्याज थोड़ी सी पिंक होना शुरू हो गई है और अब ये बिल्कुल परफेक्ट फ्राई हो गई है। हमने इसे इसी तरह से लगातार चलाते हुए फ्राई करा है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। प्याज को हमें अभी ग्राइंड नहीं करना है, अदरवाइज उसका कलर ख़राब हो जाएगा और वो डार्क हो जाएगी। अब हम सेम ऑयल में ऐड करेंगे कुछ गरम मसाले। यहाँ मैंने 4 लौंग ली है, 10 ली है मैंने छोटी इलायची, 1 हमने दालचीनी का स्टिक लिया है, और ये 6 लिए हमने काली मिर्च और 2 तेज़पत्ता। अब हम इसे कुछ सेकेंड्स के लिए सॉटे करेंगे और उसमें ऐड करेंगे हमारा ये मैरिनेटेड चिकन, जिसे हमने 1 घंटा मैरिनेट किया है, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम हम हाई रखेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच 1 tablespoon धनिया पाउडर, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 tablespoon कोकोनट पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसे कवर कर हाई फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे, या जब तक कि इसका मसाला पूरी तरह से ड्राई नहीं हो जाता। चिकन को हमने 7 मिनट पका लिया है। अब हम इसे एक बार मिक्स करेंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका मसाला अच्छे से ड्राई हो गया है और ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। ये मैंने 1 कप यानी कि 200 ग्राम दही लिया है, जिसे अच्छे से बीट कर लिया है। कोरमे में ज़्यादा खट्टी दही का इस्तेमाल ना करें। और हम इसमें डालेंगे पिसे हुए बादाम। ये मैंने 12 बादाम लिए थे, जिसे भिगाकर पीस लिया है, और मिक्स करेंगे। और अब हम इसे कवर कर 7 से 8 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे। अब जो हमने प्याज फ्राई करके रखी थी, उसे पीस लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप वाटर और इसका एक दरदरा सा पेस्ट बनाएंगे। इसे हमें बहुत बारीक नहीं पीसना है और इसे हमें पहले भी पीस के नहीं रखना है, अदरवाइज वो डार्क हो जाती है। चिकन को हमने 8 मिनट पका लिया है। अब हम इसे एक बार मिक्स करेंगे और इसमें ऐड करेंगे हमारा बनाया हुआ प्याज का पेस्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने प्याज को थोड़ा सा दरदराई पीसा है। इससे कोरमे का बहुत अच्छा टेक्स्चर आता है, इसलिए आप प्याज को इतना ही पीसें। और साथ ही प्याज को हमने अभी पीसा है, इसलिए इसका कलर बिल्कुल भी डार्क नहीं हुआ है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें ऐड करेंगे कुछ बादाम के पीसेस। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। और इसे कवर कर मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम कोरमे में ऐड करने के लिए बनाएंगे स्पाइस मिक्स, जिसके लिए हम लेंगे जीरा 1/2 टीस्पून। ये हमने छोटी इलायची ली है 6 से 7, जिसे छील लिया है। 2 हमने ली है लौंग, दालचीनी का हम लेंगे 1/2 इंच का स्टिक, और 4 काली मिर्च।
अब हम इन सारे मसालों को पीस लेंगे। कोरमे को हमने 5 मिनट पका लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 to 4 टेबलस्पून केवड़ा वाटर। केवड़ा वाटर आप इसमें ज़रूर ऐड करें, इससे कोरमे का असल टेस्ट और खुशबू आती है, और जितने भी शाही या शादियों वाले कोरमे होते हैं उसमें ये ज़रूर डलता है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हमारा बनाया हुआ स्पाइस मिक्स 1/3 टीस्पून, और अब हम इसमें ऐड करेंगे वाटर 1.5 कप और अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसे लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए कवर कर पकाएंगे। कोरमे को हमने 10 से 12 मिनट लो फ्लेम पर पका लिया है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। शाही कोरमा हमारा बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। आप देख सकते हैं हमारे कोरमे का कलर और टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है, बिल्कुल शादी के शाही कोरमे जैसा, और ये खाने में भी बहुत डिलीशियस है। अब हम इसे सर्व करेंगे। परफेक्ट कोरमा बनाने के लिए आप मेरी रेसिपी में दिए गए टिप्स को ज़रूर फॉलो करें और इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी को भी ज़रूर चेक करें। और आप इसी सेम रेसिपी के साथ बीफ या मटन कोरमा भी बना सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा बहुत ही डिलीशियस शाही चिकन कोरमा तैयार है, और इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसे गर्मा गर्म रोटी या नान के साथ सर्व करें, और आप इस डिलीशियस शाही कोरमा की रेसिपी को मेरी तरह से ज़रूर बनाएं। आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसे बार बार बनाएंगे। मेरी रेसिपीज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। कोरमे के इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आप एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। तो आप इस डिलीशियस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है शाही कोरमे की, तो मेरे चैनल दिल्ली कुकबुक को अभी सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ज़रूर शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।